देना चाहते हैं आप, और कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा? ये पद यात्रा सरदेव चंद्रशेखर जी के जन्म स्थली इब्राहिम पट्टी से 5 अक्टूबर सायं 4 बजे चलकर और लोकनायक जयप्रकाश जी के जन्म स्थली पे 11 तारीख को पहुँचेगी। और 11 तारीख को उनका जन्म दिवस है, जन्म दिवस मनाने के बाद ये यात्रा। तो क्या संदेश देंगे देना चाहते हैं आप इस यात्रा के माध्यम से? सदैव चंद्रशेखर जी के विचारों का, लोकनायक जयप्रकाश जी के विचारों का जन जन में फैलाने का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, इसको सफल करने के लिए यही संदेश हम लोग इस यात्रा के माध्यम से देना चाहते हैं। तो क्या सजपा पार्टी जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनका सामने आएगी? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव में भाग नहीं लेती है तो इसका कोई मतलब नहीं, चुनाव में तो भाग लेना ही है, परंतु ये चुनाव के मद्देनज़र नहीं चल रही है। ये पार्टी चंद्रशेखर जी और लोकनायक जयप्रकाश जी के विचारों को जन जन में फैलाने के लिए ये यात्रा का संदेश दिया जाए। थैंक यू। बता दिया कि यह यात्रा का उद्देश्य क्या है और यह यात्रा श्री चंद्रशेखर जी के जन्मस्थान इब्राहिम पट्टी बलिया से जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थान सीतातियरा जयप्रकाश नगर में समाप्त होगी 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को आपको पता होगा चंद्रशेखर जी जब से जयप्रकाश जी का निधन हुआ उसके बाद से हर साल जयप्रकाश नगर आते थे, सीतापियरा में आते थे। 11 अक्टूबर को किसी भी देश के कहीं भी रहें तो 11 अक्टूबर को आते थे जयप्रकाश जी के स्मृतियों को याद करने के लिए, उनके उस पावन मिट्टी को सलाम करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उसी दिशा को उसी दशा को हम पकड़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और चंद्रशेखर जी के गांव से ये यात्रा सद्भावना यात्रा के रूप में जयप्रकाश नगर तक जाएगी और वहां जयप्रकाश नगर में जयप्रकाश जी के जयंती पर, जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। और इसके बाद हमारा उद्देश्य जो समाजवादी जनता पार्टी का उद्देश्य, मात्र समाजवादी जनता पार्टी का उद्देश्य ही है कि चंद्रशेखर जी के विचारों और जयप्रकाश जी के विचारों को देश भर में एक बार जन जन तक फैलाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे और जो इस देश की समस्याएं हैं